को तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए। आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि जीमेल कैसे बनाना है। सबसे पहले के जो प्रायोरिटी है वो है जीमेल होना आपके पास ज़रूरी है, और दूसरा यूट्यूब चैनल बनाते कैसे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो जी दोस्तों, आज हम बताएंगे कि यूट्यूब चैनल बनाते कैसे हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है, क्रोम को। तीसरा मैं अपना ये ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन करने के बाद आपने इधर लिख लेना है, जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ गूगल जीमेल अकाउंट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप नीचे आना है और लिखा होगा क्रिएट गूगल अकाउंट। तो आपने इस पर क्लिक कर देनी है और इधर आपने सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट बनाना है। जिनके पास जीमेल अकाउंट नहीं है वो अपना जीमेल अकाउंट बना लें, और जिसके पास है वो इधर से साइन इन इंसिस्टेड पे क्लिक कर दें। तो सबसे पहले मैं अपना एक बनाऊंगा, अपने नेम से जीमेल बना लूँगा और यूज़र नेम आपने ध्यान से रखना है, जिस तरह ये मुझे पहले ही बता रहा है आई थिंक मैंने किया। और इधर आपने पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड आपका डिजिट्स और अल्फाबेट्स में होना चाहिए। तो इधर से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट में अभी इसने बता दिया है कि आपको कुछ और जो नेम है वो लेना पड़ेगा, और उसके साथ आपको ट्राई करना होगा जो पासवर्ड है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पासवर्ड भी चेंज कर रहा हूँ और इधर अभी फिर आपने दोबारा पासवर्ड लिखना है। अभी मैंने ये लिखना है, देखते हैं कैसे आता है। जी अभी ये आ रहा है कि ये किसी ने दिया हुआ है, और नीचे ये मुझे सजेशन दे रहा है कि ये हमारे पास जी मेल अकाउंट जो है वो अवेलेबल है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये अपना जी मेल हमारी असर 489 पे क्लिक कर देता हूँ। तो जी ये मेरा जी मेल हो गया। अब इसमें आपने अपना लिख देना है नंबर, ठीक है, और रिकवरी आपने ये भी लिख देना है अगर आप लिखना चाहें तो। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, मैं तो आपको बताने के लिए कर रहा हूँ इस वजह से मैं इधर नहीं लिखूँगा। और ये भी मैं अपना लिख देता हूँ, ये ज़रूरी है और वो ऑप्शन है। इधर आपने अपना लिख देना है, ठीक है, और इधर से कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल को नीचे लेके आना है और यहाँ से कर देना है एग्री। जैसे ही आप एग्री करेंगे तो आपको आगे एक नया टैब ओपन हो दिखाई देगा। ये अब आपका जीमेल अकाउंट बन चुका है। तो मैं यहाँ से अपनी यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने एक यूट्यूब ओपन किया, ये मेरा पहले के एक और चैनल इधर से लॉगिन है, तो मैं इसको सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। और कुछ नेट भी गड़बड़ कर रहा है, तो मैं इधर से सबसे पहले इसे स्विच कर लेता हूँ और ऐड अकाउंट पे करता हूँ। तो ऐड अकाउंट पे आने के बाद जी, तो जी ये मेरा जो है ये नए वाला जी में ये अब लॉगिन हो चुका है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और इधर आओ। अभी ये मेरा नए वाला क्या जी मेल अकाउंट है, ठीक है। अभी ये आप सब देख रहे हैं, ये सब के सब मोनिटाइज हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहले हमें आना है क्रिएट अ चैनल पे, ठीक है, क्रिएट अ चैनल पे गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब आपने इस जगह पे अगर आपने अपना नेम लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कोई और नेम यूज़ करना है तो इधर से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से अपना नेम चेंज कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ अमर CH म्यूजिक, और मैं इसको अंडरस्टैंड कर देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद जैसे टैब ओपन होगा तो मैं अभी दोबारा इसमें आऊँगा, ठीक है। अभी ये फोटोज मांग रहा है, आपने इसमें फोटोज अपलोड कर देनी है, और ये इधर फेसबुक पे जो आपकी आईडी है उसे आपने इधर से अपनी फेसबुक आईडी का जो लिंक होगा ये वाला, इसको ऐसे ही उठाना है और इसको कॉपी करके इस जगह पेस्ट कर देना, ठीक। लेकिन ये क्योंकि मेरा कि फेसबुक का मैं इसमें नहीं ऐड करना चाह रहा, तो मैं इसको सेटअप लेटर कर दूंगा। इधर आप अपने
जो जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब ये मेरा चैनल रेडी हो चुका है। चैनल को अब करना क्या, चैनल तो बन गया, लेकिन इस चैनल पे हमें ना तो कोई व्यूज़ मिलेंगे और ना ही हमारा चैनल सर्च करेंगे तो सर्च में आएगा, क्योंकि हमने टैग्स ही नहीं लगाए हुए और कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं लगाई हुई जिससे हमारा जो चैनल है वो ग्रो हो। तो चले हम देखते हैं। आप सबसे पहले आपने जाना है यूट्यूब स्टूडियो, इधर से आप यूट्यूब स्टूडियो के निकाल सकते हैं या उधर से, ये रहा यूट्यूब स्टूडियो। तो यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद आपने दोस्तों ये लर्न मोर बता रहा है, अगर आपने लर्न और करना है तो ठीक है, अदरवाइज अब आपने आ जाना है इधर मोनेटाइजेशन पे, ठीक है। ये अब आपकी लिखा हुआ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मोनेटाइजेशन। तो आपने आना है सबसे पहले सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद जनरल ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी करेंसी कौन सी, करेंसी यही रहने दो। आपने इधर लगाने हैं कीवर्ड्स, जैसा कि मैं इधर लगा लेता हूँ अमार म्यूजिक, अमार चौधरी म्यूजिक, अमार चौधरी, अमार म्यूजिक, और ये बड़े कसम। जी तो ये आपने जो जो लिखने हैं वो आपने अपने हिसाब से कर लेने हैं, और इधर से नीचे से कंट्री सेलेक्ट कर लेने हैं और इसको कर देना पाकिस्तान। और जैसे ही आप इधर से पी पाएंगे तो सबसे पहले हमारा प्यारा वतन ही आएगा। जी तो ये रहा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में आपने बताना है कि ये छोटे बच्चों के लिए है कि नहीं, लेकिन ये मेरे छोटे बच्चों के लिए नहीं है तो मैं इसको नो कर दूंगा और ले आऊंगा नीचे। और अगर आप डिस्प्ले अपने सब्सक्राइबर बताना चाहते हैं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं तो आप इस पे ठीक है रहने दें, अगर नहीं बताना चाहते कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं तो इसको ऑफ कर दें। एक बात आपको इधर बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले इधर ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके नए चैनल पर लोग आते हैं वो आपके चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी देख के अक्सर लोग आपके वीडियोस नहीं देखते। तो आप जब तक 1,000 नहीं हो जाते के सब्सक्राइबर्स तो आपने इसको डिस्प्ले ऑफ ही रखना है, उसके बाद चाहे आप ऑन कर सकते। तो जी अगर आप एडवांस सेटिंग या अकाउंट सेट यूट्यूब अकाउंट में जाना चाहते हैं तो इधर से के दोबारा से फिर आपको ये चैनल स्टेटस फीचर्स ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। जी तो इसी के साथ चैनल स्टेटस फीचर्स पे आपने आ जाना है। चैनल स्टेटस फीचर्स में आपने इधर से देख लेना है, ये अभी तक हमारे इनेबल नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग पे हम इधर इनेबल करेंगे और इधर ये मांग रहे हैं हमारा फ़ोन नंबर, तो मैं इधर लिख लूँगा अपना फ़ोन नंबर। जैसे मैंने ये लिखा फोन नंबर और मुझे आ गए मैसेज। तो आप जी तो आप लोगों ने देख लेना है कि आपको कौन सा कोड आया। मुझे जो कोड आया है वो मैं इधर लिख लूंगा। जी तो ये मैंने कोड इधर से कर दिया सबमिट, और अभी ये देख लें कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर वेरीफाइड, ठीक है। अभी ये मेरी लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं लॉन्ग वीडियो, जो 15 मिनट से ऊपर की हम वीडियोस बनाएंगे उनको भी एलिजिबल करना पड़ता है। तो ठीक है, ये भी हमारी वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। अब ओके तो अब ये भी हमारी एलिजिबल होगी। अब कौन सी रहेगी, अब हमारी सब चीज़ें एलिजिबल है। ये लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी 24 घंटे के बाद इनेबल होती है, लेकिन हम इसको भी कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी होगी इनेबल होगी, लेकिन 24 घंटे के बाद आप लाइव आ सकते हैं। जी तो ये आपकी अब सब चीज़ें इसमें आप एलिजिबल हैं। इसमें आपने के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो है वो भी इनेबल कर ली है। तो जो मेन मसला है वो रह गया मोनेटाइजेशन का, ठीक है। अब आपने जो आना है मोनेटाइजेशन पे, तो आपने इधर लिखना है जो आपका है कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में आने के बाद आपने इधर जो आपकी वेबसाइट है उसमें कर देना है या
ठीक है, बाकी चीज़ें आपने वैसे रहने देंगी। डिस्प्ले नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स डोंट डिस्प्ले, ठीक है, आपने इधर डोंट डिस्प्ले कर देना और इधर कर देना है सेव। सेव करने के बाद लो जी ये आपकी अब आईडी वेरीफाइड हो चुकी है दोस्तों। तो वेरीफाइड होने के बाद अब हम इधर आते हैं स्टूडियो में। स्टूडियो में आने के बाद मैं दोबारा इधर से के चला जाता हूँ यूट्यूब अकाउंट के, यूट्यूब अकाउंट में चला जाता हूँ, ठीक है। और जो फीचर्स हैं वो सारे गायब हो गए क्योंकि हमने वो सारे कर लिए थे। अभी अगर आप इसमें और चैनल ऐड्स करना चाहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो करना था वो हमने कर लिया। उसके बाद आ जाता है ब्रांडिंग पे। अगर आपने इधर से कोई इमेज यूज करनी है तो इधर आपकी ब्रांडिंग में, फॉर एग्जांपल मैं आपने ये इमेज यूज करता हूँ तो ये जो वीडियो के एंड पे ये स्टार्ट में आएगी तो इधर ब्रांडिंग में आएगी, क्योंकि ये मैंने की रेशियो एक इनकी होती है, ठीक है। आपकी 150x50 पिक्सल की होनी चाहिए, कम से कम 1 MB की हो। तो मेरी एक फोटो 1 MB की नहीं, तो इसलिए उन्होंने सेलेक्ट नहीं की। इधर आपने कह देना फीचर एलिजिबिलिटी, इसको रहने दें वैसे के वैसे। और अपलोड फीचर इधर आपने जो ऑटोमेटिकली एडवांस सेटिंग अगर आप इधर से चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। परमिशन अगर आप लेना चाहें तो परमिशन भी आ सकते हैं और कम्युनिटी में भी आ सकते हैं। कम्युनिटी आप मोडिनेटर अप्रूवल यूजर्स, ठीक है, ये चीज़ें फिलहाल आप इन चीज़ों को भी रहने दें, ठीक है। और ये है मैनेज जो आपने करना है, या आपने जो इंफॉर्मेशन है, हाँ, एक्ट एज अमाचर द म्यूजिक ऑन। और ये आपके आपके अगर से आप अगर आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब आपको प्रॉपर चैनल हो गया है क्लियर। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से वीडियोस को अपलोड किया जाता है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कामयाब यूट्यूबर बनना है और यूट्यूब पे किस तरह से चीज़ें अपलोड करनी है और उनको सीखना है। तो रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।